शिल्पा शेट्टी की बहन शमिता शेट्टी भी अब राज कुंद्रा के इस विवाद से जुड़े मामले पर काफी चर्चा बटोर रही है। दरअसल यहां पर शर्लिन चोपड़ा ने किया था खुलासा शमिता को लेकर और राज कुंद्रा को लेकर, और साथ ही यहां पर गहना वशिष्ठ ने भी किया था खुलासा। लेकिन शमिता को लेकर एक और बड़ी खबर अब सामने आ चुकी है। ये खबर जब सामने आई तो लोगों ने शिल्पा शेट्टी की बहन शमिता को ट्रॉल करना शुरू कर दिया। आखिर आपको बता दें कि राज कुंद्रा जिन्हें आज कोर्ट में ले जाया गया, उनके जमानत पर फैसला होना था, लेकिन कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए अपना जवाब और फैसला सुनाया है कि 14 दिन की न्यायिक हिरासत में फिर से रखा जाएगा राज कुंद्रा को, क्योंकि राज कुंद्रा से जुड़े कई अहम सबूत क्राइम ब्रांच के हाथ लगे हैं। ऐसे में अब जेल जाने वाले राज कुंद्रा की पत्नी शिल्पा शेट्टी की बहन शमिता शेट्टी ने कुछ ऐसा कारनामा कर दिया, कुछ ऐसी हरकत कर दी जिसे देखकर अब ट्रॉलर्स के निशाने पर आ चुकी है शिल्पा शेट्टी की बहन शमिता। शमिता को लगातार ट्रॉल किया जा रहा है और क्या है इस ट्रॉलिंग की वजह, देखिए रिपोर्ट। शिल्पा शेट्टी की बहन शमिता शेट्टी ने राज कुंद्रा के विवाद के बीच कर दी ऐसी हरकत जिसे देखकर उड़ गए बहन शिल्पा शेट्टी के भी होश। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। दरअसल फिल्म इंडस्ट्री में इस वक्त शिल्पा शेट्टी राज कुंद्रा का अश्लील मामला काफी तरह हर जगह छाया हुआ है। इस मामले पर न सिर्फ शिल्पा शेट्टी बल्कि राज कुंद्रा के करियर भी अब पूरी तरह से दांव पर लग चुका है। शिल्पा शेट्टी की निजी जिंदगी में ये बेहद मुश्किल दौर चल रहा है, मगर ऐसे में जब शिल्पा शेट्टी की छोटी बहन शमिता शेट्टी ने एक स्किन केयर प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करते हुए वीडियो पोस्ट किया तो फॉलोवर्स शमिता शेट्टी पर भड़क गए। शमिता के इस कदम को शर्मनाक बताते हुए ट्रॉलर्स ने शमिता को ट्रॉल करना शुरू कर दिया। वहीं कुछ लोगों ने शमिता शेट्टी का सपोर्ट भी किया। कुछ यूजर्स ने कहा कि आप वाकई में सीरियस हैं, आप एक्ने की बात कर रहे हैं, कृपया कुछ तो मानवता दिखाइए, वहीं जिंदगी में इतना फेक मत बनिए, इस ट्रेजेडी से रिकवर होने के लिए कुछ वक्त दीजिए। वहीं एक यूजर ने शमिता को सपोर्ट करते हुए लिखा कि लोग उनके बारे में बुरा क्यों लिख रहे हैं, आखिर उनका इससे क्या लेना देना है। बता दें कि राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद शमिता शेट्टी सोशल मीडिया से दूर हो गई थी। उन्होंने कोई पोस्ट नहीं डाला था। शुक्रवार को शिल्पा की फिल्म हंगामा 2 को सपोर्ट करते हुए शमिता ने अपनी बहन को सपोर्ट करते हुए एक पोस्ट शेयर की थी और लिखा था, शमिता ने शिल्पा के लिए खास मैसेज, उन्होंने लिखा था कि जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन इस दौर में हमें मजबूत बनना होगा और इस दौर से मजबूती से निकलना भी होगा। आपको बता दें कि राज कुंद्रा को अश्लील फिल्म के मामले पर 19 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। मुंबई क्राइम ब्रांच ने 20 जुलाई को अदालत में पेश किया, जिसके चलते 23 जुलाई तक पुलिस रिमांड में भेजा गया और उसके बाद जब दोबारा सुनवाई हुई तो रिमांड को बढ़ाकर 27 जुलाई तक कर दिया। अब आज एक बार फिर से 27 जुलाई को कोर्ट में भेजा गया राज कुंद्रा और कोर्ट ने एक बार फिर से लिया फैसला, क्योंकि क्राइम ब्रांच ने ये बात साबित कर दी कि राज कुंद्रा के खिलाफ उनके पास कई ऐसे सबूत हैं जिन्हें वो मिटा सकता है और आगे आने वाले वक्त में वो और सबूतों को भी हटा सकता है, और इसीलिए वो चाहते हैं कि अब राज कुंद्रा को ना छोड़ा जाए, क्योंकि वो इस मामले पर करना चाहते हैं अच्छे से जांच। आपको बता दें कि राज कुंद्रा को अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है और ऐसे में अब राज कुंद्रा को 14 दिन के लिए जेल में रहना पड़ेगा। वहीं अब आ रही है खबर राज कुंद्रा के वकील को लेकर। राज कुंद्रा के वकील अवध पोंडा, जिन्होंने राज कुंद्रा मामले पर बेल एप्लीकेशन दी थी, लेकिन अब बेल एप्लीकेशन को खारिज कर 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है राज कुंद्रा को। शिल्पा शेट्टी पूरी कोशिश कर रही है अपने पति को साफ सुथरा बताकर जेल से बाहर निकालने की, लेकिन अब राज कुंद्रा के खिलाफ जितने भी सबूत मिले हैं पुलिस को, अब वो उनसे नहीं बच पाएंगे और ऐसे में खुल जाएगी सारी पोल पट्टी
राज कुंद्रा की। राज कुंद्रा बुरी तरह से फंस चुके हैं कई लोग। अब राज कुंद्रा के खिलाफ सिर्फ अश्लील मामला नहीं बल्कि धोखाधड़ी का मामला भी दर्ज हो चुका है। हर्षिता नाम की महिला का सच भी सामने आ चुका है। गुजरात नाम के एक शख्स ने, व्यापारी शख्स ने राज कुंद्रा पर धोखाधड़ी का इल्जाम लगाया है। वाराणसी से भी राज कुंद्रा के कनेक्शन सामने आए हैं और अपने बहन के पति प्रदीप बख्शी के साथ किस तरह से वो इस अश्लील धंधे में कर रहा था काम, किस तरह मुनाफे के लिए लड़कियों को ब्लैकमेल कर बनवाई जाती थी जबरदस्ती उनकी अश्लील वीडियो और उनसे करवाया जाता था कॉन्ट्रैक्ट पर साइन, जहां पर उन्हें ब्लैकमेल कर खेला जाता था अश्लील खेल। लेकिन अब इस खेल में बुरी तरह फंस चुके हैं राज कुंद्रा, जिनका इस खेल से निकलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन सा होता जा रहा है। और इसी खेल के चलते अब काफी ज्यादा डर चुकी है यहाँ पर शिल्पा शेट्टी, क्योंकि लग चुका है राज कुंद्रा के इसी हरकत की वजह से शिल्पा शेट्टी का करियर पूरी तरह से दांव पर। बता दें कि अब शमिता शेट्टी का नाम भी राज कुंद्रा को लेकर सामने आया था। शमिता शेट्टी के साथ राज कुंद्रा एक नई ऐप बॉली फेम में करने वाले थे काम। बॉली फेम ऐप को लॉन्च करने वाले थे और यहां पर काम करती हुई इस ऐप पर नजर आने वाली थी शमिता शेट्टी, जहां पर शमिता शेट्टी को लेकर भी अब ट्रेंडिंग में न्यूज आने लग पड़ी है और शमिता शेट्टी से जुड़ी तमाम खबरों पर हर कोई अब नजर रख रहा है। ऐसे में शमिता शेट्टी कुछ पोस्ट भी कर रही है तो उस पर भी कई सारे सवाल उठ रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। तो ये है पूरी खबर शिल्पा शेट्टी की बहन शमिता शेट्टी को लेकर, जहाँ पर वो अपनी एडवर्टाइजमेंट की पोस्ट करती नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर शमिता शेट्टी, जिसका राज कुंद्रा के केस से कोई कनेक्शन नहीं है, उसके बावजूद भी शमिता को ट्रॉल किया जा रहा है। लेकिन इस ट्रॉलिंग पर शमिता ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। लेकिन शमिता के जो सपोर्टर्स हैं, जो फैंस हैं, वो शमिता को सपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं इसमें शमिता का कुछ भी लेना देना नहीं है, तो शमिता को इस तरह से ट्रॉल करना होगा गलत। और साथ ही शमिता शेट्टी के लिए ये काफी ज्यादा दर्द भरा भी होगा, उसे हमें सपोर्ट करना चाहिए ऐसे तौर पर, ना कि ट्रॉल। तो ये है पूरी खबर शमिता शेट्टी की एडवर्टाइजमेंट को लेकर। नेक्स्ट लेट्स रश्मि रिपोर्ट। तो देखा आपने, ये थी आज की रिपोर्ट। आखिर शमिता शेट्टी की किस हरकत की वजह से शमिता को होना पड़ रहा है ट्रॉल और इस पर नहीं दिया अभी तक कोई भी रिएक्शन। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।